प्रदेश में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। भिलाई और धमतरी में भी चाकूबाजी की दो घटनाएं सामने आई है। दोनों तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर भिलाई की है, जहां दो जगह चाकूबाजी की घटनाएं हुई है। पहली घटना फौजी नगर में रहने वाले मनीष सिंह के साथ हुई। उन पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे पेट और छाती में गहरी चोटें आईं। वहीं दूसरी घटना सुपेला जी रोड से लगे योगा पार्क के पास हुई, जहां एक कोचिंग क्लास संचालक पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया। दोनों ही मामले में आरोपी अज्ञात हैं। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं धमतरी की, जहां 10 महीने में 16 हत्याओं और 50 चाकूबाजी की वारदातें हुई। चाकूबाजी की घटनाएं रोकने के लिए अब पुलिस सभी तरीकों को अपना रही है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर चाकू के साथ रील अपलोड करने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। ऐसे चाकूबाजों का जुलूस निकाला गया। जुलूस में अपराधी चाकू रखना पाप है, पुलिस हमारी बाप है बोलते हुए चल रहे थे। चलो, इन दोनों ही खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। भिलाई से कोमल धनेसर हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, तो धमतरी से देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले भिलाई का रुख करते हैं, कोमल के पास चलते हैं। कोमल, लगातार भिलाई में चाकूबाजी कट्टरबाजी की घटनाएं हो रही है। पुलिस के लाख कोशिशों के बाद भी ये घटनाएं रुक नहीं रही। आखिर क्या वजह है जो ये घटनाएं नहीं रुक पा रही और लगातार इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, भिलाई में चाकूबाजी लगातार हो रही है। पूरे जिले की अगर बात करें तो रोजाना कहीं ना कहीं एक घटना होती है, और इसके पीछे सबसे जो बड़ा कारण है वो नशाखोरी है और आपसी रंजिश है, क्योंकि नए लोग इसमें चाकूबाजी में नहीं आ रहे। जो भी है पुराने आदतन अपराधी है वो चाकूबाजी करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पुराने रंजिश और बदले की जो भावना है वो चाकूबाजी तक लोगों को पहुंचा रही है। लेकिन इस बीच में एक चीज थोड़ी सी एक राहत देने वाली हुई थी कि पिछले दिनों एसपी दुर्ग ने एक घोषणा की कि जो चाकू या कटर रखे हुए नजर आएगा या सोशल कोई वीडियो अपलोड करता है तो उन्हें जो है इनाम दिया जाएगा, ₹1000 उन्हें प्राइस दी जाएगी और गोपनीय रखेगा नाम उनका। तो इससे घोषणा के बाद में लगातार हर थाने में कम से कम रोजाना एक या दो फोन जरूर आ रहे हैं और पुलिस उन तक पहुंच भी रही है। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया में चाकू तलवार या अन्य हथियार लेकर के फोटो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उन्हें भी लगातार पुलिस पकड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं घटना है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही और घटनाएं लगातार हो रही। कल की हम बात करें तो कल दो जगह चाकूबाजी हुई थी। सुपेला में जो नेशनल हाईवे के किनारे योगा पार्क है वहां पर एक घटना हुई थी। दूसरा जो है जामुल इलाके में रहने वाले, जामुल थाना क्षेत्र के फौजी नगर के इलाके में रहने वाले मनीष सिंह के साथ चाकूबाजी घटना हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ी, लेकिन लगाम एक तरीके से जो कसने कोशिश की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं लगाम हल्की सी इसमें कहा जाए तो वो भी कसी जा रही है। बिल्कुल, तो पुलिस की अपनी कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है कि इस तरह की घटनाओं को किसी तरह रोका जाए। अब हमारे साथ बने रहिएगा कोमल, रुक कर लेते हैं धमतरी का, और देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से 10 महीने में 50 चाकूबाजी की घटनाएं हुई, हत्याएं के भी मामले लगातार निकलकर सामने आए, तो एक तरह से शहर दहल उठा है। किस तरह से पुलिस की कोशिश है इन घटनाओं को रोकने के लिए, और अभी जो ताजा मामला सामने आया यह किस तरह से हुआ? जी बता दूं श्रवण, आपने सही कहा कि धमतरी जिला है वो शहर है और ग्रामीण इलाकों में भी चाकूबाज की दहशत जो है बराबर बनी हुई है। इसको देखते हुए धमतरी पुलिस की तरफ से अब कोशिश जो जारी है। बता दूं धमतरी जिले में 10 महीनों में 16 हत्याएं हो चुकी है और 50 से ज्यादा चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बता दूं कि धमतरी जिला के जो शहरवासी हैं, ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं, वो अपने परिवार को लेकर के घर से बाहर निकलने तक के लिए घबरा रहे थे, जिसको लेकर के अब धमतरी पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है और सोशल मीडिया में अपलोड करने वाले चाकूबाज ऐसे युवक को शिनाख्ती कर रही है। और बता दूं चाकूबाज की घटना को अंजाम देने वाले ऐसे अपराधी किस्म के बदमाशों को अब शहर में भ्रमण कराया जा रहा है और बता दूं चाकू रखना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, ऐसे नारा निकाल करके उन पर सख्ती बरती जा रही है, जिससे धमतरी पुलिस की तरफ से ये सख्ती बरती जा रही है। लेकिन बता दूं धमतरी जिला में जिस तरह से चाकूबाजी हो रही है और लगातार घटना हो रही है, बता दूं इसमें सबसे बड़ी कारण है ये यहाँ के जो धमतरी जिला की जो युवा है वो सूखा नशा के आदि हो रहे हैं, सूखा नशा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं युवा पीढ़ी, इसी वजह से ये जो चाकूबाजी घटना लगातार धमतरी जिला में देखी जा रही है। जी चलिए, तो देखना होगा कि आगे और पुलिस की सख्ती इन मामलों में देखने को मिलती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।